नमस्कार दोस्तों, ICICI बैंक शेयर में आज के ट्रेडिंग सेशन में 1.65% की क्लियर आपको गिरावट दिखाई दे रहा है। तो उसी के साथ देखेंगे स्टॉक में एक रेड कैंडल बन रहा है और पिछले कई दिनों से देखेंगे स्टॉक में लगातार एक ही जगह पर रेंज बना के ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो सवाल आ रहा है क्या स्टॉक में तेजी आएगा या गिरावट आएगा, तो अगर ऊपर बढ़ेगा क्या टारगेट रहेगा, नीचे जाएगा तो क्या सपोर्ट लेवल रहेगा, सभी कंडीशन को आज हम इस वीडियो में क्लियरली समझने वाले हैं। तो इस वीडियो को कम्प्लीटली जरूर देखिए दोस्तों। नोटिस कर सकते हैं अपने ICICI बैंक स्टॉक अप एग्जैक्टली हायर है बनाकर पर बढ़ रहे हैं और क्लियरली देखें तो स्टॉक अप एग्जैक्टली एक ऑप्टेंड में भी कंटिन्यू करता हुआ नजर आ रहा है। तो इसी तरह देखेंगे स्टॉक यहां से अपना प्रीवियस का रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया जो कि 1009 का था। अगला रेजिस्टेंस था यहां पर 1257 का, इसको भी स्टॉक ने ब्रेकआउट करके हाई लगाया 1363 का। सपोर्ट लेवल ये तो यह दिखाई दे रहा है और एक सपोर्ट लेवल रहेगा आपके सामने 1151 का। अगर दोस्तों मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पर लेके चलता हूँ तो आप देखेंगे अगला एक सपोर्ट लेवल यहाँ पर भी है जो कि 1199 पर दिखाई दे रहा है। तो संभावना हाई रहेगा कि स्टॉक यहाँ पर सपोर्ट लेके फिर से ऊपर बढ़ सकता है और आपके सामने टारगेट 1363 का ही रहेगा। राइट दोस्तों, सभी कंडीशन को मैंने आपके सामने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर लिया है। स्टॉक में बाय सेल होल्ड करने की कोई भी सलाह सुझाव नहीं है। वीडियो एजुकेशन पर्पज बनाए गए, इस वीडियो को एक लाइक करें। सो धन्यवाद दोस्तों।